हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है, तो इसका हम चेस्ट का नाप लेंगे और ये है कॉलर वाला जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसका हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की चेस्ट का नाप लेना है। ब्लाउज को अच्छे से रख लेंगे बराबर करके। अब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो इसकी चेस्ट है वो है 36, 18 इंच की चेस्ट है। अब इसके देखिए, हमें शोल्डर का नाप नहीं लेना है क्योंकि कॉलर वाले की शोल्डर ज़्यादा होती है, तो हमने कॉलर वाले के जैसे 36 चेस्ट है तो हम इसके शोल्डर रखेंगे वो 8 इंच के रखेंगे, यानी कि 16 इंच के। जिससे क्या है कि ये कंधे हमारे नीचे की साइड होने चाहिए, अगर ये ऊपर की साइड रहेंगे टाइट होंगे तो कंधे पे ब्लाउज टाइट रहेगा, तो इसलिए हमें 8 इंच के शोल्डर ले रहे हैं। तो चेस्ट हो गई, अब पीछे की लंबाई का नाप ले लें। अब इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच, तो हम इसकी लंबाई जैसे बढ़ाना चाहते हैं तो 14 इंच भी ले सकते हैं, 15 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो जैसे कॉलर वाले ब्लाउज की हम नीचे की लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो 1 इंच हम इसमें बढ़ाएंगे। तो कपड़े को अब हम देखेंगे कि इसको हमें लंबाई में डबल करना है क्योंकि बाजू भी आनी चाहिए। अब देखिए, कपड़े को हमने डबल कर लिया। अब हम इसमें से पहले पीछे का पल्ला निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे आगे का पल्ला। अगर आप चाहें तो दोनों पल्ला बराबर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे तुरपाई के लिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे और इसके बाद अपनी लंबाई ले लेंगे। जैसे हमें 14 इंच की लंबाई चाहिए या 15 इंच की चाहिए, उतना हम निशान लगा देंगे पहले पीछे की लंबाई। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला है, शोल्डर हमें 8 इंच के रखने हैं। अब चेस्ट का नाप 36 चेस्ट है तो 9 इंच पे हमारा फिटिंग का नाप हो गया। 1 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए, तो ये हो गया हमारा 10 इंच और यहाँ पे 8 इंच। तो इसको देखिए, हम इस तरीके से लाएंगे, लेकिन इसके जो आरोमल है वो 7 इंच के लेंगे और यहाँ पे हम चौकुटा निशान, उसके बाद यहाँ से गोलाई। अब हम यहाँ पे हमने सीधा निशान लगाया है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करके। थोड़ा तिरछे में हमें शोल्डर को काटना है। 1 इंच हमने ऊपर की साइड बढ़ा लिया है इस तरीके से। अब पीछे वाले पल्लर को आगे की साइड रखेंगे। अब यहाँ से जैसे हम तीरा भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम तीरे के लिए कपड़े को छोड़ देंगे क्योंकि हमें कपड़े को बचाते हुए ब्लाउज को काटना है। तो देखिए, यहाँ पे लेंगे हम तीरे के लिए 5 इंच और यहाँ पे लेंगे 4 इंच और इसको हम ऐसे गोलाई में नीचे की साइड, तो यहाँ से हमारा ये तीरा आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। आरोमल की कटिंग हो गई, अब इसको हटा देंगे पीछे का। पीछे का शोल्डर भी हमने आगे और पीछे के शोल्डर दोनों बराबर लिए हैं।
अब हमें तीरे का निशान लगाना है, तो बीच में हम तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच। अब जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच, और इसमें हमें पहले चौकुटा निशान, उसके बाद गोलाई इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, तीरे का ये हमने 13 इंच पे यहाँ से निशान तो लगा लिया, अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और इसको देखिए ऐसे ले जाएंगे। अब आधा आधा इंच हमें यहाँ पे कटिंग करना है, जिससे हमारे यहाँ पे झोल ना आए, आरूमल के आगे वाला जो पल्लर है। अब इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे, अब प्लेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 10 इंच पे। अब फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें 9 इंच अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है। अब 9 इंच का आधा करेंगे यहाँ पे, तो ये बीच की जो प्लेट रहेगी वो हमारी 4.5 इंच पे। अब इसी के बराबर 10 इंच पे ये प्लेट आ गई है जो गले की, इसका निशान लगा लेंगे। अब 2 इंच ऊपर ये हो गई हमारी बगड़ी की प्लेट। अब देखिए आरोमल की प्लेट का निशान हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब लगा लेंगे हम कैंची का कट, इससे क्या दूसरी साइड भी निशान बन गए। अब ये हमारा तीरा है, इसमें प्लेट डालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब बाजू की कटिंग करेंगे, जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो कपड़े की 21 इंच है, कपड़े की चौड़ाई हमें 17 इंच की चौड़ाई लेनी है, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे झोल आएगी, तो हमें 17 इंच का यहाँ पे डबल करके 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। कॉलर के काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 17 इंच है और लंबाई है 21 इंच, तो यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे तो ये 20 इंच की लंबाई होगी बाजू की। तो अभी हम इसको ऐसे करेंगे डबल। अब यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे, तो 3 इंच लेंगे और इसको देखिए ऐसे ले जाना है ऊपर की साइड। अब यहाँ पे मोरी का निशान, तो जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो यहाँ पे लेंगे हम 6 इंच। अभी हो गई हमारी बाजू की कटिंग। ये हमारा आगे का पल्लर है और ये है हमारा पीछे का पल्लर। और ये हमारे तीरे हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगली वीडियो में बताऊंगी। आप हमारी स्टिचिंग ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।